तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में दो वीडियो फायरवॉल की हमने प्रैक्टिकल किया था कि यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर पब्लिक के अंदर प्राइवेट के अंदर क्या होता है यहाँ पर, वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम आज सीखने वाले कि कौन से पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर हमें जो एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन से नेटवर्क कम्युनिकेशन में रखना है या नेटवर्क कम्युनिकेशन में से बाहर निकालना है या फिर उसको ब्लॉक करना है, आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो अलाउ एप्स कम्युनिकेशन के अंदर ये जो पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर, ये दोनों पार्ट के अंदर ही है। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो फिर कोई एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होती है। जब तो बेसिकली आप देख सकते हो कि पब्लिक और प्राइवेट में आपको पता चल गया होगा। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से आप पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को कंट्रोल करोगे। तो अभी तो मैं फर्स्ट आप देख सकते हो कि अलाउ एंड और फ्यूचर थ्रू फायरवॉल। तो अगर कोई आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ करना है, तो कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन करना है, आपको बंद करना है, तो आप इसी यहाँ पर, तो अगर अलाउ करना है तो आपको क्लिक करना होगा, अगर इसको डिसअलाउ करना है तो आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क मैंने आपको कहा था कि पब्लिक नेटवर्क मतलब जो भी आपका कंप्यूटर जो है, आपका कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो बाहर का इंटरनेट यूज़ करते हो तो होता है पब्लिक। अगर आप अपना खुद का रोडमैन यूज़ कर रहे हो, उसका आईपी एड्रेस अपने स्टेटिक ले रखा है यहाँ पर, और साथ ही साथ कंपनी ने आपको ऐसा सर्विस प्रोवाइड करके रखा है, आपका नेटवर्क प्राइवेट रहेगा, तो ये होता है प्राइवेट। तो डिपेंड है आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के, जो लोग होते हैं एम्प्लॉई कंपनी वाले वो आपको पूछते हैं कि आपको पब्लिक लेना है या प्राइवेट नेटवर्क लेना है। तो अगर ना पूछे तो भी आप इसको एक बार दो तीन बार इसकी इन्फॉर्मेशन ले लो तो आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट बिंग यहाँ पर देख सकते हो, बिंग फाइनेंस है। तो अभी फाइनेंस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ फाइनेंस ही नहीं करना, तो मैंने पब्लिक में से या हटा दिया है। प्राइवेट में शायद मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर कोई मुझे ज़रूरत हो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन की, लेकिन मुझे जैसे तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर प्राइवेट जो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हटाने को कह रहा है, क्योंकि मैं पब्लिक में से हटा सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये प्राइवेट कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर कि वो हटेगी नहीं। ओके, लेकिन आपको क्या होता है यहाँ पर कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है आप अलाउ करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ओके, डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन के यहाँ पर सेटअप करके रखा है मैंने, तभी तो मैंने इसको देख सकता हूँ यहाँ पर, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, लेकिन ये दो निकलते नहीं, क्योंकि इसका एक कारण यही है, क्योंकि अगर बिंग न्यूज़ क्या होता है, बिंग फाइनेंस क्या होता है, कि अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, गूगल कंपनी है तो गूगल क्या करती है, सर्च इंजिन हमें देती है। सर्च इंजिन क्या होता है कि इसके अंदर सारा जो हम, जैसे कि मैंने लिखा कि इमेजेस की सारी वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया हो कि कोई भी आपने ऐसा सॉफ्टवेयर, तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होती है यहाँ पर बिंग तरह की, यहाँ पर बिंग करके यहाँ पर उसने गूगल की तरह यूज़ कर दिया स्टार्ट करना सर्च इंजिन को, तो गूगल की तरह ही उसने बिंग बनाया यहाँ पर। तो बिंग के अंदर बिंग फाइनेंस है, बिंग यहाँ पर न्यूज़ है, तो एक तरह की ये वेबसाइट है। तो इसको मैं प्राइवेट ओपन करना चाहता हूँ या पब्लिक, तो ये तो प्राइवेट ही ओपन होगा, लेकिन इसको निकालना है तो मुझे इसको ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग में से निकालना होगा। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, अलाउ रखता हूँ अभी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूज़ कर रही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फोटोज़ जो है वो मैं पब्लिक में से आप देख सकते हो कि निकल रहा है। तो यहाँ पर कुछ
यहाँ पर अलाउ होता है बेसिकल। ओके तो ये क्या विंडो है, एक ये विंडो जो है आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर कम्युनिकेशन रखना है या नहीं रखना है, इसके ऊपर इंटरनेट देना है या नहीं देना है, तो ये जो है यही काम करता है यहाँ पर। तो कुछ जहाँ पर आपको लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या तो फिर आपको ये एप्लीकेशन, लेकिन ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में क्या डिपेंड्स होता है, एप्लीकेशन मीन्स आपने गूगल प्ले लिस्ट के बारे में सुना होगा आपने, क्योंकि अगर कोई भी आपको गेम डाउनलोड करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आपको सीधा डायरेक्ट गूगल प्ले लिस्ट में जाना, प्ले स्टोर में जाना होता है यहाँ पर। तो गूगल प्ले स्टोर क्या करता है, एक एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग तरीके से आप डाउनलोड कर सकती हो, लेकिन सारी गूगल के प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होती है वो सीधा आपको कुछ वेबसाइट के अंदर ही जाकर मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैलेंडर, मेल, फोटो, स्वेटर, म्यूजिक, मूवीज, एक्सपो, तो इतने सारा जो देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन से, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी इस तरह से। आपको एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी शुरू कर दी है यहाँ पर गूगल प्ले लिस्ट की तरह। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की तरह यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐप स्टोर स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन। तो ये विंडोज 7 में नहीं मिलेगा क्योंकि विंडोज 7 के अंदर अलग है यहाँ पर, लेकिन विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10 के अंदर एप्लीकेशन के जो यहाँ पर फीचर्स आ चुके हैं यहाँ पर। विंडोज XP में शायद काम करे, लेकिन विंडोज 7 में शायद ही काम करे, लेकिन मैं कहूँगा कि जो 100% जो काम होता है यहाँ पर एप्लीकेशन का, जिसे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन की कहाँ से टेक्नोलॉजी सर्विसेज आने लगी, तो विंडोज 8.1, विंडोज 8 और विंडोज 10 के अंदर चल ही रहा है अभी। तो ज़्यादातर यहाँ पर विंडो 8 और विंडो 8.1 में ज़्यादा चला। 8.1 के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारी यहाँ पर हमें फीचर्स, जैसे हम एप्लीकेशन को हम ठीक तरह से यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन करके हम उस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गूगल प्ले स्टोर है, तो यहाँ पर हमें एक तरह की यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाती है एप्लीकेशन की। तो इसी तरह से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी अपना स्टार्ट कर दिया अपने कंपनी को आगे ठीक तरह से प्रॉफिट में ले जाने के लिए। तो बेसिकली लोग इनके प्रोडक्ट यूज़ करें इसलिए यहाँ पर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कम्युनिकेशन जो ऐप है यहाँ पर पब्लिक है, तो पब्लिक में उसको क्या पता है यहाँ पर अलाउ करके रखा है, लेकिन मैं कितना ही कोशिश करूँ वो निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसको निकलना चाहता हूँ, निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। ओके तो बेसिकली आपको निकालना है तो उसको आप एप्लीकेशन को जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो फाइल्स होती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वो फाइल्स मुझे बता रहा है यहाँ पर, तो इस फाइल को क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर से निकाल सकता हूँ। लेकिन बेसिकली मैं ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटलुक के लिए है यहाँ पर, तो ये आउटलुक के लिए कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप इसको निकाल दिया या तो फेंक दिए, आपने इसको कुछ प्रॉब्लम की है यहाँ पर, तो पब्लिक की अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पब्लिक है नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, तो वो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं कर पाएंगे, तो ये पब्लिक के अंदर ही है। अगर आपको प्राइवेट करना है अलाउ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट के सेटिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट में जो अगर आप यूज़ करते हैं अलाउ करते हो, तो इसके अंदर ये फ़र्क होता है कि अगर आपने कोई अपने अपना तरीके से आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है तो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन उसको प्राइवेट नेटवर्क के अंदर वो एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के साथ कनेक्ट हो तो पब्लिक में कम्युनिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये दो डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे तरीके 3D बिल्डर का कि सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, तो इस सॉफ्टवेयर को मुझे अलाउ करना ही नहीं है, तो दोनों में से निकाल दूंगा। ओके देख सकते हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐप कनेक्टर मुझे कुछ चाहिए नहीं। ओके ब्रांच कैश HTTP तो यूसेज आप देख सकते हो यहाँ पर, होस्ट कैश क्लाइंट यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर, ब्रांच कैश देख सकते हो पर डिस्कवरी यूजर्स WSD HTTPS HTTPS, लेकिन इन दोनों में से क्या फ़र्क है, क्या होता है यहाँ पर। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन से तो जो सीधा क्लाइंट बेस पर काम करती है, जैसे कि मेरा ये जो क्लाइंट बेस पर काम कर रही है एप्लीकेशन, ओके लेकिन उसका काम क्या है कि एक क्लाइंट होता है, ये अभी मेरा मैं जो कंप्यूटर में लोकल कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट है, और अगर मैं इसको कंप्यूटर के मेरे कंप्यूटर के थ्रू कोई सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये सर्वर साइड भी कनेक्शन करना शुरू कर देगा, लेकिन वो पहले सर्वर के थ्रू ही होगा। अगर सर्वर ने इसको अलाउ नहीं किया है एप्लीकेशन को, तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो फायरवॉल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसको परमिशन हमने नहीं दिए सर्वर के अंदर। ओके तभी आप उसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर आपका कोई कंप्यूटर जो है एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो ये सिंपल सी ही बात कि
कि अगर आपने कोई HTTP या HTTPS से वो बिलोंग रखता है यहाँ पर, तो उसको प्राइवेट में चाहो रखना है या पब्लिक में चाहो रखना है, तो मुझे कोई एप्लीकेशन ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करता, उसको मैं निकाल दूंगा। ओके, कुछ मैंने जानबूझ कर सेटिंग्स करके रखी आपके लिए समझाने के लिए। कास्ट टू डिवाइस फंक्शनलिटी, तो अगर कोई डिवाइस है फंक्शनलिटी, तो उस फंक्शन को प्राइवेट पर चलाना है या पब्लिक को चलाना है, तो मैं बेसिकली मुझे कोई प्राइवेट भी नहीं चाहिए और ना ही पब्लिक में चाहिए। ओके, अगर आपको अलाउ करना है आपको इंटरनेट उस, अगर आपको कोई अलाउ करना है इंटरनेट कम्युनिकेशन उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको क्लिक करना होगा। अगर निकालना है तो निकाल सकती हो। ओके, कॉम्प करके लिखा है यहाँ पर, तो ये भी मेरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर इसको मुझे कम्युनिकेशन कराना है तो इसको मैं रखूँगा, प्राइवेट नहीं निकाल दूँगा, प्राइवेट में पब्लिक निकाल दूँगा क्योंकि पब्लिक में मुझे इसको रखना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर और सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इसको भी मुझे निकाल देना है क्योंकि इसको मुझे कोई भी यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी मुझे रखना है यहाँ पर। ओके, कॉन्टैक्ट सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, दोनों में से निकाल लूँगा क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट जो है बहुत ही प्राइवेट होना चाहिए, तो पब्लिक के अंदर से भी निकाल दूँगा, प्राइवेट में से भी निकाल दूँगा। ओके, फिर कोर नेटवर्किंग होता है, तो कोर नेटवर्किंग में हो सकता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर होता है या पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंदर कम्युनिकेशन कर सके। फिर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई आपको पैकेज होता है, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, तो उसको किस तरह से आपको करना है, प्राइवेट करना है या तो पब्लिक करना है, तो मैं दोनों को अलाउ रखूँगा क्योंकि ये डिलीवर होना चाहिए। डायर प्रोटोकॉल सर्वर जो होता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी ये एक्टिव नहीं है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर सर्वर के ऊपर ये क्या करता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका सीधा आपको डबल क्लिक करो, इसके बारे में पढ़ो आप क्या कहना चाहते हैं। तो रिमोट डिवाइस के लिए यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर रिमोट ऐप देख सकते हैं यहाँ पर, तो रिमोट ऐप को स्टार्ट करने बंद करने के लिए या तो इसको कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपको बंद करना है, तो डिपेंड है आपके ऊपर। तो मैं इसको पब्लिक, आप देख सकते हो पब्लिक कर ही नहीं सकती है क्योंकि पब्लिक करने जाओगे तो अभी डिस्क्रिप्शन अभी तो इसके लिए बारे में है नहीं, तो इसको ये आप देख सकते हो कि होम ग्रुप पर जैसे क्लिक करोगे तो ये होम ग्रुप क्या होता है, पब्लिक पर नहीं होता, ये प्राइवेट नेटवर्क पर होता है, और ये DL प्रोटोकॉल सर्वर भी प्राइवेट होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है यहाँ पर, तो ये भी मैंने इसको जरूरी है। ईमेल एंड अकाउंट्स प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, तो मैं दोनों को एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट सीधा मैं ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करता हूँ, तो मुझे ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो मुझे इसको भी निकाल देना है। फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग, हो सकता है कि मुझे प्राइवेट के अंदर भी जरूरत प्रिंटर को प्रिंटर यूज़ करना हो, प्राइवेट को यूज़ करना हो, और पब्लिक के अंदर भी हो सकता है जरूर हो, तो मैं इसको ऑन रखूँगा प्रिंटर को। गेट ऑफिस, ये वही ऑफिस है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर में MS Excel, MS पावर पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमें विंडो आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर विंडोज तब देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यहाँ पर 2016 में यूज़ कर रहा हूँ, तभी तो आप देख सकते हो कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इसको, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से मैं निकाल दूंगा। यहाँ पर मुझे इसको कोई भी मेरा अकाउंट हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल या तो कोई भी ऐसा कोई सर्विस हो सकती है जो मेरे डेटा को पढ़ सकता है या तो फिर हमारे डेटा को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। गूगल क्रोम है, या गूगल क्रोम को मैं अलाउ करूँगा क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट के लिए दोनों के ऊपर इंटरनेट कम्युनिकेशन होना चाहिए। या फिर देखिए होम ग्रुप है, तो होम ग्रुप को इस तरह से आपको पब्लिक तो होगा ही नहीं क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता, क्योंकि होम ग्रुप हमेशा मैंने आपको समझाया था कि होम ग्रुप जो है वो बेसिकली किस तरह का होता है। होम ग्रुप का वीडियो देख ले कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में, क्या होता है होम ग्रुप और ये सिर्फ किसके नेटवर्क के ऊपर काम करता है, तो उसका वीडियो देखने के बाद ही आपको उसको पता चलेगा होम ग्रुप क्या होता है। जिन्होंने पढ़ लिया होगा उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पब्लिक को क्यों एक्टिवेट नहीं किया है, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेट को एक्टिवेट करना देता है और नहीं भी, तो क्या होता है इसका कारण क्या होता है। तो जब अगर आपने होम ग्रुप की वीडियो देखी होगी कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट जो है उसके लास्ट में ये टॉपिक रखूँगा। इसके बाद भी एक टॉपिक है हमारा जो हमारा वर्क फोल्डर से, तो अभी तो इसके लिए इतना कुछ यहाँ पर सेटिंग है नहीं, हो सकता है हमारा 4-5 मिनट का वो वीडियो हो क्योंकि इसके लिए हमें सर्वर चाहिए होगा। तो अभी तो हम सिद्धि हमारा 98 या 99% हमारा कंट्रोल पैनल का सीरीज जो है
पूरा होने 98% का पूरा होने को आया है यहाँ पर, तभी तो अभी हमें सीखना है यहाँ पर फायरवॉल के बारे में। ओके, की मैनेजमेंट सर्विस तो हो सकता है कि मैनेजमेंट में आपका पासवर्ड भी हो, तो उसको मुझे किसी को भी अलाउ नहीं करना, ना ही मुझे मुझे प्राइवेट को अलाउ करना है, ना ही पब्लिक को, मुझको पर्सनल सेपरेट ही रखना चाहता हूँ यहाँ पर। फिर आपको मेल एंड कैलेंडर, तो मेल एंड कैलेंडर को कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, तो मेल को हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन को यहाँ पर। तो अभी मैंने कहा था कि मैं डा सीधा गूगल क्रोम जो है वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, लेकिन अभी हो सकता है कि मुझे कोई मेल आए। ओके, मीडिया सेंटर यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि वीएस यहाँ पर देख सकते हो कि मैं वीएस प्लेयर कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो अभी तो मैं आपको कह देता हूँ कि छोटा सा मैं आपको बताता रहा हूँ यहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्या होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन अभी ये देख सकते हो कि विंडोज़ का डिफॉल्ट जो है मीडिया प्लेयर होता है यहाँ पर, वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर सस्ता बने वही खिला देते। ओके, अब फिर भी कोई देख थोड़ी रही है, तो फिर बोलने लगा या दोबारा ले आ। ओके, दिसी तो यहाँ पर असली संतरी यहाँ पर, तो ये मीडिया प्लेयर को मुझे अलाउ करना है या नहीं करना है इंटरनेट, तो अभी मुझे कोई नहीं यूज़ करना, माइक्रोसॉफ्ट एज है इस तरह का यहाँ पर जैसे देवी, इसको भी मुझे निकाल लेना है। ओके, तो इसको भी मुझे यूज़ नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर इसको भी मुझे निकाल देना है, इसको मुझे यूज़ नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, आउटलुक आपका सर्वर के साथ कनेक्ट है और आपको यूज़ करना, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों रखना होगा। लेकिन पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सर्वर के ऊपर आपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करके रखा है सिक्योरिटी के थ्रू, तो वो बात अलग है। लेकिन आपने सर्वर के ऊपर लो सेटिंग्स रखा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सेटिंग्स नहीं रखे, तो मैं कहूँगा कि आप उसको प्राइवेट में से निकाल दे और पब्लिक में से निकाल दे। तो अभी तो ये पब्लिक में से नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कारण, आउटलुक जो होता है एक तरह का हमें ईमेल का फैसिलिटीज देता है यहाँ पर जीमेल की तरह, तो ये पब्लिक में तो ऑन ही रहेगा लेकिन प्राइवेट में से निकाल दे। फिर माइक्रोसॉफ्ट पीपल, यहाँ पर देखते हो कि पीपल को मुझे पहचानना है, आप देखते हो कि पीपल्स की यहाँ पर एप्लीकेशन होती है, लेकिन मैंने अभी निकाल दी है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बताया था आपको, देखते हो यहाँ पर, देखते हो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज को, तो मुझे इसको यूज़ नहीं करने देना है। ओके, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा पर मैं एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता, जो होता डायरेक्टली मैं ब्राउजर के थ्रू में काम कर लेता हूँ। फिर माइक्रोसॉफ्ट पीपल जो होते हैं वो मुझे उसको कुछ ढूंढना नहीं, किसी को मुझे पहचानना नहीं। माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ को भी मुझे कोई तरह का दे सकते हैं यहाँ पर, फोटोज़ करके दे सकते हैं यहाँ पर, कि उसको फोटो तो अपने देखने के लिए होता है, तो उसकी हमें क्या कम्युनिकेशन करवाने की ज़रूरत है, तो अगर कम्युनिकेशन हमें इधर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है यहाँ पर, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमें अलाउ करना है एप्लीकेशंस को, कम्युनिकेशन को, इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें एप्लीकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन जो होता है। ये वीडियो अभी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर सीखेंगे, और भी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे यहाँ पर पार्ट वाइज। तो जितना भी हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्ट वाइज ही देखें, तो अलाउ एप्स एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप ये पार्ट टू से ही आप कंटिन्यू करोगे आप, और फायरवॉल के टॉपिक के अंदर भी वीडियो पार्ट सिक्स होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के अंदर। और तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉर्नर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है,
यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।